और उसके बाद हमने सोचा क्यों ना इस घर को तोड़ दिया जाए, लेकिन यार बाद में याद आया कि ये हमारा पहला घर है तो इसको हम नहीं तोड़ेंगे। तो ये मेरे माइनक्राफ्ट हार्डकोर वर्ल्ड का सबसे पहला घर जो कि मैंने 11 जून 2021 को बनाया था। नहीं, इस दिन तुम्हें पता चला था कि मैंने ये घर बनाया, बना तो कुछ दिन पहले लिया था, अब वो डेट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन आज मैं बनाने वाला हूँ अपने लिए एक प्यारा सा लाइब्रेरी कम हाउस कम टाउन हॉल कम पता नहीं उसका क्या नाम रखूं, जो भी तुम्हें पसंद आए वीडियो में देख के कमेंट्स में बता देना। लेकिन टाउन हॉल बनाने से पहले तुम्हें तो याद होगा पिछले वीडियो में मैंने डायमंड के साथ क्या किया था और ये मैं टाउन हॉल क्यों बना रहा हूँ, अब सारी चीजें इंट्रो में थोड़ी बता दूंगा यार, वीडियो देखो तुम। और अगर तुम लोग इस वीडियो को बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हो तो ये गलत बात है, देखो यार ऐसे मत करा करो यार, अपने साथ ऐसा मत करो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, मैं देख रहा हूँ तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, 1 मिलियन भी करने हैं। ओके। बाकी यार मैंने अपने हार्डकोर वर्ल्ड में काफी सारी चीजें बना रखी हैं, जैसे कि मैंने ये एंजेंट सिटी बनाई थी जहाँ पर मैंने डायमंड भी लगा रखे हैं, भाई इनको मैं माइन नहीं करना चाहता, यहाँ पे मैंने मतलब एकदम थोड़े से डिफेक्ट भी हैं, कोई बात नहीं गड्ढा रह गया। बाकी यार ये मैंने जो एंजेंट सिटी बनाई थी पूरी यहाँ मत देखो और पूरी इस वाली वीडियो में देखो। बाकी यार तुम लोग, मैंने काफी सारे कमेंट्स पढ़ रहा था, तुम लोग मतलब हार्डकोर की जब वीडियो आती है तुम लोग ये कहते हो कि अपने वर्ल्ड का डाउनलोड लिंक दो, तो अगर तुम चाहते हो मैं इसका डाउनलोड लिंक दूं तो तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी यहाँ पर अपना ताजमहल भी है, बाकी मैं यहाँ नहीं दिखा रहा, वीडियो में देखना, इस वाली वीडियो को जाके देखो यार, और डाउनलोड लिंक चाहिए तो कमेंट्स में बताना। बाकी आज के काम पे फोकस करते हैं, जो कि आज मैं बनाने वाला हूँ अपने लिए एक मस्त सा घर, नहीं घर नहीं कुछ मतलब लाइब्रेरी टाइप में बनाने वाला हूँ, इसकी छत पर एक क्लॉक होगी कुछ इस टाइप से बनेगा, वो आगे देखेंगे वीडियो में। बाकी उसके लिए मुझे जो जो सामान चाहिए वो जमा करते हैं। बाकी ये मैं क्यों बना रहा हूँ वो तो तुम्हें आगे पता चलेगा, वीडियो देखते रहो बस। बाकी मैं सबसे पहले एक जगह डिसाइड कर रहा हूँ जहाँ पे मैं वो बनाने वाला हूँ। बाकी यहाँ पे अपनी इतनी सारी शीप होगी यार, ये हल्का सा ना लैग भी कर देती है, फ्रेम ड्रॉप होने लगते हैं बीच में। बाकी सोच रहा हूँ इन सबको भी निपटा दूं, पर यार इनसे वूल वगैरह भी हमें जरूरत पड़ती रहती है, मैंने वूल फार्म भी नहीं बनाया, जिस दिन वूल फार्म बना लूंगा ना फिर इसको मतलब इनका मतलब दी एंड कर देंगे जितने भी मेरे पास शीप है। बाकी मैं सबसे पहले एक जगह मिल जाए ना मुझे परफेक्ट सी जहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ, फिर करेंगे बाकी काम, लेकिन पहले सामान जमा कर लेते हैं, जगह बाद में डिसाइड हो जाएगी, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ बनाऊँ। बाकी यार ये जो मैं बनाने वाला हूँ इसके लिए ना मुझे ब्रिक्स चाहिए होंगे, वो रेड वाली ब्रिक्स नहीं होती जो कि क्ले से बनती है, वो मैं बनाने वाला हूँ, मतलब वो चाहिए मुझे, लेकिन यार वो ना बनाना काफी मुश्किल रहता है। हाँ ये देखो मैं मेसन बेसन जो भी नाम है इस अपने विलेजर से ले सकता हूँ, एक एम्बर से मुझे 10 ब्रिक दे देगा और 4 ब्रिक्स से हाँ एक वो वाली ब्रिक बन जाएगी, मतलब इनको कंबाइन करके। बाकी यार मुझे सबसे पहले एमरल्ड चाहिए होंगे ताकि मैं मतलब ढेर सारी ब्रिक्स वगैरह खरीद सकूं। तो गाइस अभी मैं बस गेम खेल ही रहा था कि अचानक से मेरा कीबोर्ड की ये कुछ कीज काफी ज्यादा लैग करने लगी, और तुम्हें तो पता ही है एज अ गेमर स्पीड कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और ये लैग करने की वजह होती है ये डस्ट और इसके अंदर जमा हुआ ये मॉइस्चर जो कि हमें दिखता नहीं है। तो जैसे कि तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को क्लीन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, पर आज के बाद नहीं होने वाला क्योंकि आज है मेरे पास ये WD-40 कॉन्टैक्ट क्लीनर जो कि आपको सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स एंड अप्लायंसेस को क्लीन करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है, बस आपको स्प्रे करना है और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये मेरा डस्ट से भरा हुआ कीबोर्ड है भाई, कितनी डस्ट जम जाती है, इसको मैं क्लीन करके दिखाता हूँ आपको। और इसको यूज करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बस आपको अपने कीबोर्ड के ऊपर इसको स्प्रे कर देना है और थोड़ी देर सूखने के बाद आपका कीबोर्ड एकदम चमचमा जाएगा। और साथ ही मेरे पास यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट हार्ड ड्राइव भी थी और तुम देख ही पा रहे हो इसमें काफी ज्यादा डस्ट हो रखी है, तो मैं इसको भी इजिली क्लीन कर सकता हूँ। और इतना ही नहीं, आप इसकी मदद से अपने ईयरफोन हेडफोन वगैरह को भी इजिली क्लीन कर सकते हैं, उसमें भी धूल वगैरह अगर डस्ट वगैरह जमा हो गया तो इजिली क्लीन हो जाती है, और ये काफी ज्यादा हेल्प करता है इन रिमूविंग मॉइस्चर एंड कार्बन डिपॉजिट फ्रॉम योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड अप्लायंसेस। और इसको बाय करने के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप वहां से जाके बाय कर सकते हो। मतलब जो मैं बिल्ट बनाने वाला हूँ उसमें जो ब्रिक्स ही है ना वो ये स्टोन वाली भी लगेंगे और ये वाली ब्रिक्स भी लगेंगे रेड वाली, तो उनसे मतलब काफी मस्त लगता है। बाकी मुझे यहाँ पे 25 एमरल्ड्स तो मिल चुके हैं, थोड़े बहुत और मिल जाए यार, मुझे ढेर सारे ब्रिक्स चाहिए क्योंकि भाई एमरल्ड का फार्म भी है मेरे पास, लेकिन मेरे पास सिर्फ एमरल्ड 55 या 56 मिले हैं भाई, इतने कम एमरल्ड, इतने से तो भाई कुछ भी नहीं मिलेगा, मेरे को सिर्फ 560 ब्रिक्स मिल पाएंगी, बाकी मुझे उनसे ब्रिक्स खरीदनी पड़ेंगी, उनमें से कहाँ चले गए, विलेजर कौन सा है भाई, मेसन बेसन जो भी है मेसन भाई कौन सा है तू, उठ जा भाई ये सारे सो रहे हैं, किसी को बेड मिला है किसी को नहीं मिला, बाकी बेड इज ऑक्यूपाइड, उठ जा, अरे तू कितना बेड लेके सोएगा भाई, ये पता नहीं कहाँ गया मेसन, हाँ ये है शायद मेसन, हाँ ब्लैक इसकी शर्ट है, मैं इसे ओ ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं 3 स्टैक नहीं 2.5 स्टैक मेरे को मिल गया, इतने से कितनी बनाई, 1 स्टैक ये वाली ब्रिक्स बनानी है ना मुझे, हाँ ये 40, हाँ ठीक है ये, हाँ ये वाली ब्रिक्स है ना अपने को, तो एक सर्कल बॉक्स भर के चाहिए तो इतना मतलब इनफ हो जाएगा, तो मुझे ज्यादा एमरल्ड नहीं चाहिए, मतलब इजिली हो जाएगा क्योंकि देखो 10-12 एमरल्ड में इतनी सारी 40 ब्रिक मिल गई अपने को, तो दिक्कत नहीं है कोई भी। बाकी जहां तक मुझे याद है मेरे पास 2 मेसन थे, मेसन बेसन क्या बोलते हैं,
जो भी है मेरे पास दो है, मेरे पास स्टोन कटर है ना, तो एक तो ये रहा जिसे मैंने खरीद लिया। बाकी ये देखो भाई हमारा दूसरा मेसन कहाँ छुपा हुआ था बेचारा, बाहर आ चल तू भी बाहर आ, यहाँ से मैंने 40 ब्रेक्स इसके भी मिल जाएंगे। मतलब ठीक है मैं दो है ना मेरे पास, तो मैं एक बार में 80 ले पाऊंगा यार। मैं सोचा थोड़े से और बना लेते हैं स्टोन कटर बनाने के लिए, मुझे क्या चाहिए होता है मेरे को रेसिपी भी नहीं याद। काम धंधा होता रहेगा लेकिन खाना खाना नहीं रुकना चाहिए भाई, सबसे पहले अपने लिए भोजन बनाओ भाई, भोजन का जुगाड़ करेंगे सबसे पहले भाई। गोल्डन कैरेट यूं ही खत्म हो जाती है, सबसे पहले गोल्डन कैरेट्स बनाएंगे भाई। और अपनी शानदार सी लाइब्रेरी बनाने के लिए मुझे ढेर सारे ब्रिक्स चाहिए थे, जिसके लिए मुझे फ्री फंड में तो हमारे अंकल जी हमें एक भी ब्रिक्स नहीं देंगे, बड़े कंजूस हैं यार ये तो। जिनके लिए मुझे चाहिए थे ढेर सारे एमरल्ड्स, और पता नहीं क्यों मैं रेड फार्म होते हुए भी एमरल्ड्स जमा ही नहीं करता, अब मुझे रेड करा के कुछ घंटे तक सिर्फ रेड फार्म में बैठना पड़ेगा। तो सबसे पहले सरपंच के पास चलते हैं, हाँ भाई प्लेजर्स का बॉस, सबसे पहले उसी को तो निपटाना है। और बाकी मैंने पिछली वीडियो में ये डायमंड का खजाना बनाया था, तुमने नहीं देखा तो जाके वाली वीडियो देख लेना। बाकी सरपंच की पिटाई लगाकर एमराल्ड जमा करते हैं बस फटाफट। A few moments later. और यहाँ पर मुझे ये तो समझ में आ नहीं रहा था कि मुझे कितने एमराल्ड्स चाहिए, इतना तो पता था कि बहुत सारे चाहिए, लेकिन ये मैंने कुछ ज्यादा जमा कर लिए भाई, पता नहीं चलता, बस होगी भाई इतने सारे एमराल्ड्स ऐसे जमा हो गए, एक दो स्टैक वैसे ही भर गए भाई, इतनी तो जरूरत भी नहीं है। एक तो मतलब एक ही से 10 ब्रिक, अरे बहुत सिंपल है, जित दिक्कत भी नहीं अपने को, तो क्या बोल रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा बस। बाकी सही में यार दो जनों से अगर मैं ब्रिक्स जमा करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, मैं थोड़े बहुत ये और बना लेता हूँ, क्या बोलते हैं इनको, बेसन मेसन जो भी है। बाकी इसके लिए मुझे स्टोन चाहिए, तो स्टोन की कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से सिलेक्टर चाहिए अपने पास, स्टोन भी आ गया चलो अपने पास, बस मुझे थोड़ा सा आयरन चाहिए जो कि मेरी जिम में है ही नहीं, पहले मैं रखता था यार हमेशा, अब मुझे अपने आयरन फार्म से लेना पड़ेगा जो कि अरे मिस हो गया भाई, क्या ही क्लच हो जाता अगर मैं ले लेता तो, कोई नहीं दोबारा ट्राई करेंगे, इस बार हो जाएगा इस बार। और बस अब अपने को थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करनी है, थोड़ा सा सामान बेच के थोड़ा सा सामान खरीदना है, मतलब एमराल्ड्स बेच के थोड़ा सा सामान खरीदना है। और देख रहे हो इन सबको कितनी फटाफट सबने अपनी जॉब ले ली, बड़े उतावले हो रहे थे जॉब लेने के लिए, बस अब इसी तरह सामान भी दे देना मेरे को। देखो लाइब्रेरी बनाने के लिए मुझे ना एकदम सिंपल सामान चाहिए, ब्रेक्स वगैरह स्टोन वगैरह, जैसे कि मैंने ब्रेक्स भाई देखो आधी मतलब एक चेस्ट भर चुकी है, और बाकी मेरे पास एमराल्ड इतने सारे बेफालतू में बच गए भाई, कौन इतने एमराल्ड मैंने क्यों खरीद लिए थे पता नहीं, इतनी तो भाई ट्रेडिंग भी नहीं करी जितनी मैंने रेड फार्म से कलेक्ट कर लिए थे। पर कोई बात नहीं यार, आगे मैं एमराल्ड्स का एक ऐसी चीज बनाने वाला हूँ जिसके लिए मुझे 10-20 हज़ार एमराल्ड्स चाहिएंगे, तो वेट करो उस चीज के लिए, पहले आज का काम पूरा कर लेते हैं। बाकी अपने पास यहाँ पे रेड वाली ब्रेक्स तो आ चुकी थी, बस अपने को थोड़ी सी ब्रेक्स और चाहिए जो कि स्टोन ब्रेक्स होती है, बाकी सारा जो भी नॉर्मल सामान है वो मेरे पास ऑलरेडी है, जैसे सी लैंटर्न्स हो गए, आयरन वायरन जो भी मतलब नॉर्मल सामान है वो तो अपने पास हो चुका है, और बाकी तुम ऐसा क्रीपर के साथ मजे ले सकते हो तो तुम मेरी तरह आया तभी करना जब हाथ में टोटा मोबाइल, क्रीपर का कोई भरोसा नहीं है कितनी पावरफुल तुम बोल आओ, ये कभी फूट जाएंगे, इस बार तो मेरा तुक्का लग गया। और बाकी अपने को यहाँ पर ढेर सारे स्टोन भी चाहिए था, जिसके लिए मैं एक स्टोन का फार्म बना सकता हूँ। यस तुम लोग कमेंट्स में कहते रहते हो कि मैं स्टोन जमा करने के लिए स्टोन फार्म क्यों नहीं बनाता, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, मुझे स्टोन फार्म बनाना नहीं आता है। कुछ नहीं किसी ने कुछ नहीं सुना है भाई, कुछ नहीं स्टोन फार्म बनाएंगे, पक्का बनाएंगे, दो बार पहले फेल हो चुका हूँ, पर कोई बात नहीं यार स्टोन फार्म बनाएंगे, लेकिन अभी तो हम मैनुअली जमा करने वाले हैं, जिसके लिए मुझे चाहिए एक बीकन, और पिछला बीकन मेरा कहाँ गया अगर तुम्हें याद है तो कमेंट से बताओ। बाकी मुझे याद था कि मेरा एक बीकन एंड वर्ल्ड में भी पड़ा है जो कि किसी काम नहीं आ रहा है, तो पहले वहां से लेके आते हैं। और एंड वर्ल्ड में जाते वक्त हम अपने ताजमहल के दर्शन तो करते हुए ही जाते हैं हमेशा, बीच में टकराते रहते हैं वो बात अलग है। A few moments later. बाकी चलो यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड तक तो आ गया हूँ, इसके अंदर छेद वहाँ पे लैंडिंग हो, अरे यार एक ब्लॉक रहे, अरे मेरी हेल्थ भी तो ज्यादा डाउन हुई है, पर कोई बात नहीं नीचे मैं गया, मुझे पता मेरा टोटम यूज होगा, यस मुझे पता था मेरा टोटम यूज होने वाला है, क्योंकि डैमेज पड़ता है यार तुम स्ट्रॉन्ग होल्ड में गिरोगे तो, ऐसे लोग ट्रैप बना के भी पेलते हैं लोगों को। बाकी यार अपना यहाँ से बीकन उठाते हैं, फटाफट घर चलते हैं, और बाकी घर आके अपना बीकन लगा के हेस्ट का इफेक्ट लेके, हाँ स्टोनी माइन करना है तो चपाती खाते खाते रोटी भी जमा, नहीं मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, तो चपाती खाते खाते अपना स्टोन भी जमा कर लेते हैं। मम्मी चपाती देना एक,
तो देखो अपने यहाँ पे स्टोन भी जमा हो चुका है, बाकी मतलब ऑलमोस्ट सारा सामान हो गया, बस ब्रिक्स का यूज करना है। बाकी मैं जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ, जो कि मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर बनाने की। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं बना रखा ना, यहाँ पर मैं बनाने की सोच रहा हूँ। रुक, तेरी ऐसी की तैसी, तू नहीं बचेगा भाई मेरे हाथों से। देखो तेरे को शॉट, क्या शॉट मारा है भाई, बिना देखे शॉट मारा है। बाकी यार मैं सोच तो रहा हूँ कि इसी जगह पे बनाते हैं, ये जगह मुझे ठीक लग रही है। थोड़े बहुत ये ट्रीज वगैरह मुझे हटाने पड़ेंगे, बाकी ये जगह एकदम मतलब सही है, ये मैं बना सकता हूँ इस पे। बाकी यार ये यार रात में माइनक्राफ्ट खेलना, पहले इनको निपटाना पड़ेगा। देख रहे हो ट्रिक आनी चाहिए इसके लिए, ट्रिक एक ना ये हैवी वाला कोर्स है, काफी कम स्टूडेंट कर पाए। You have to be very intelligent. बाकी ऐसे मार खाने वाले कोर्स तो मैं हमेशा करता रहता हूँ। और फाइनली अपनी यहाँ पे जगह तो डिसाइड हो चुकी थी, जहाँ पर मैं वो खतरनाक वाली लाइब्रेरी कम घर जो भी चीज तुम कह सको वो मैं बनाने वाला हूँ, जिसके लिए मुझे यहाँ पे थोड़ी बहुत साफ सफाई करनी पड़ेगी। थोड़े बहुत ये पानी के छोटे छोटे तालाब है ना, इनको भी सुखाना पड़ेगा, जिसके लिए मेरे पास हाँ स्पंज है मेरे पास। बाकी यार तुम लोग देख सकते हो अपना एरिया मतलब ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है, बस क्लीन हो गया, मैंने पैरेलल नहीं किया, मतलब प्लेन नहीं किया, पैरेलल मैं क्या बोल रहा हूँ यार, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, मुझे मतलब प्लेन करना था इसको, मैंने अभी प्लेन पता क्यों नहीं किया है, मैं ना प्लेटफॉर्म पे उसको बना लूंगा, फिर उसके हिसाब से मैं उसको प्लेन कर दूंगा, मतलब एडजस्ट वो बाद में कर लेंगे, पहले हमें बनाना है। लेकिन जो भी अपने को सामान वगैरह चाहिए था वो तो हो चुका है। बाकी यार अपने को क्या करना था भूल गया यार, वो तो मैं क्या करना था, बाकी मुझे यहाँ पर ये तो याद आ नहीं रहा था कि मुझे क्या करना है, पर इतना तो मुझे याद था कि मुझे अपनी लाइब्रेरी कम घर जो भी इसे कह लो वो मुझे बनाना है। तो हमेशा की तरह एक और बार लग जाते हैं, जब तक ये मैं बिल्ट बना रहा हूँ तुम फटाफट जाके वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, तभी तो 1 मिलियन होंगे यार। तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो करो फटाफट सब्सक्राइब। तो फाइनली अपना यहाँ पे टाउन हॉल बन के रेडी हो चुका है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। तुम्हें कैसा लग रहा है एक बार कमेंट्स में जरूर बताना, 10 में से हाँ 10 में से जरूर रेट करना कि 10 में से तुम उसको 100 नंबर दोगे या फिर 1000 नंबर दोगे, कमेंट में बताना बस तुम। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, फटाफट से हमें 1 मिलियन भी करने हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।